आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ राइनो और मैट्रिक्स में पिक्चर फ्रेम जो वाइट आपको दिखाई देता है, वाइट पिक्चर फ्रेम जो आपको दिखाई देता है उसके बारे में। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों आपको दिखाई देता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक इसका जो कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है आपके पीसी में ग्राफिक्स का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपका पीसी में ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल है क्या नहीं। तो आपको राइनो या मैट्रिक्स में आप ऊपर ऐसा टाइप कीजिए ऑप्शन, और जैसे ही ऑप्शन ये ओपन होता है सबसे पहले नीचे आ जाइए ओपन जीएल करके, और इसमें पहले चेक कीजिए कि इसमें ये टिक मार्क है क्या नहीं। पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें टिक मार्क है क्या नहीं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सिस्टम में ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसमें ये टिक मार्क नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो पहले ये चेक कीजिए कि आपका सिस्टम में ये टिक मार्क है क्या नहीं। टिक मार्क अगर नहीं है तो इसको टिक कीजिए। टिक करने के बाद जो भी आपका सिस्टम में ड्राइवर है वो अपने आप इसमें शो हो जाएगा। जैसा देखिए मैं इसमें टिक कर रहा हूँ, टिक करने से पहले ये GDI लिखा था, जैसे ही टिक कर रहा हूँ मेरा सिस्टम के हिसाब से ये इंटेल HD ग्राफिक्स ये लिखा हुआ है। आपका सिस्टम में जो भी ड्राइवर है उसका नाम इसमें शो होगा। अगर शो नहीं होता है तो आपको इंटरनेट से या आपके पास अगर CD ड्राइव है तो उसमें से आपको ग्राफिक्स ड्राइवर आपका सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ बात किया कि राइनो और मैट्रिक्स में पिक्चर फ्रेम वाइट क्यों दिखाई देता है। कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।